संसार में सब जायज होता है ऐसी कहावत है, लेकिन अवैध संबंधों के लिए हत्या जैसा जघन्य अपराध वो भी अपने सेवानिवृत्त पति का, ये बेटियों को कतई मंजूर नहीं था। करीब 3 माह बाद 12 नवंबर शनिवार को प्रेमी के साथ अनैतिक संबंध की वजह से अपने पति की हत्या की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला रंजना श्याम रामटेके उम्र 50 को उसके प्रेमी मुकेश राज बहादुर त्रिवेदी उम्र 48 समेत गिरफ्तार कर लिया है। रंजना रामटेके का शहर के अंबेडकर चौक में जनरल स्टोर है। मुकेश त्रिवेदी की बगल में सब्जी और चूड़ी की दुकान है। पड़ोसी होने के नाते त्रिवेदी का रंजना के घर पर हर समय आना जाना लगा रहता था। शिकायत करती लड़की द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उसने BSc की पढ़ाई पूरी कर ली और नागपुर के एक मॉल में काम कर रही थी। 6 अगस्त 2022 की सुबह उसकी मां ने फोन करके बताया कि उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उस वक्त दोनों बहनें नागपुर में थी। पिता वन विभाग में लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। चूंकि वह 66 वर्ष के थे इसलिए उनका अंतिम संस्कार किया गया, यह मानते हुए कि उनकी हृदय रोग से मृत्यु हो गई थी। दोनों बहनें वापस नागपुर चली गईं। इस बीच दोनों लड़कियों ने अपनी मां के व्यवहार में बदलाव देखा। आरोपी मुकेश त्रिवेदी का उसके घर आना जाना बढ़ गया। इस वजह से मां और त्रिवेदी को बच्चियों ने समझा दिया कि समाज में उनकी बदनामी हो रही है। मां अकेली रह रही थी तो कुछ ही दिनों में बच्ची वापस ब्रह्मपुरी आ गई। घटना के कुछ महीने पहले छोटी बच्ची ने अपना मोबाइल फोन अपनी मां को दिया था, उसमें वह अपना सिम लगाती थी। जब बेटी के मोबाइल आया तो इसमें 6 अगस्त 2022 को सुबह 2:14 पर 10:57 के लिए अपनी मां के मोबाइल पर त्रिवेदी से बात करने की रिकॉर्डिंग मिली। जब उनका मोबाइल मां ही संभालती थी और फोन को संभालने के दौरान पिता की मृत्यु हो गई थी। सभी को और बेटियों को भी यही एहसास हो रहा था कि ज्यादा उम्र होने से और हृदय गति रुकने से ही पिता की मृत्यु हो गई। बेटी का भ्रम जब टूटा जब रिकॉर्डिंग को युवती ने अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया। इसमें इस बात का जिक्र है कि पिता के हाथ बंधे हुए थे, जहर दिया गया था और उनका मुंह तकिए से ढका हुआ था। उस बातचीत में यह भी पता चला कि त्रिवेदी ने रात को ही मार दिया। बिस्तर ठीक करके प्रेमिका को कहा कि सुबह सबको बता देना कि उसके पति चले गए हैं। ये मोबाइल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद दोनों बहनें सदमे में चली गई। आखिरकार सोच समझकर बड़ी लड़की ने शनिवार को ब्रह्मपुरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब रंजना रामटेके और मुकेश त्रिवेदी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की तो घिनौना सच सामने आया कि पति श्याम रामटेके की हत्या रंजना ने अपने प्रेमी मुकेश के साथ साजिश रचकर ही की है। पुलिस ने रंजना रामटेके और उसके प्रेमी मुकेश त्रिवेदी के खिलाफ भादवी 120B दर्ज किया है। 201-302 साजिशन हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की पूछताछ पुलिस कर रही है। 3 महीना अगोदर माझ्या बाबाची हत्या झाली आणि ती हत्या माझ्या बाबां आईने माझ्या बाबांची हत्या केली। ती आम्हाला 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी रात्री 12 वाजता रेकॉर्डिंगद्वारा समजली। त्या रेकॉर्डिंगमध्ये 2 व्यक्तीचा संभाषण होता, एक मुकेश त्रिवेदी आणि दुसरी रंजना रामटेके। या दोघांनी मिळून माझ्या बाबांना जेवणामध्ये झोपेच्या गोळ्या देऊन त्यांना बेहोशीच्या हालतमध्ये तोंडावर उशी मारून त्यांची हत्या करून हत्या केली। आणि ही बातमी आम्हाला जसं कळलं तसं आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवली। चंद्रपूर से हमारे संवाददाता सुनील तायडे के साथ चंद्रशेखर सातव की रिपोर्ट।